हम लोग रुके हैं बीच रास्ते में और यहाँ पर पी रहे हैं नारियल पानी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे बीच पे। अभी तक जितना भी बीच घूमे हैं सबसे खूबसूरत। यहाँ पर आप खाने का ऑर्डर करो तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। बहुत सारे फॉरेनर टूरिस्ट सब हैं यहाँ पर। सबसे अच्छा बीच लगा मुझे अरम्बोल। यहाँ का जो है जिया फिश टेस्ट करना चाह रही है आखिर कैसा लग रहा है। तो हम लोग आ गए बीच के पास। प्रियांश सर उधर शिवांश दोनों खूब इंजॉय कर रहे हैं। बदीदीप करवा रहे हैं टैटू और इनसे पहले पूछ लिया दर्द तो नहीं होगा। तो फाइनली जी हम लोग जो है अपने घर पहुंच चुके हैं और रास्ता इस समय थोड़ा खाली था, ज्यादा ट्रैफिक था नहीं, इस वजह से जो है जल्दी अपने रूम पर पहुंच गए। रूम पर पहुंचते ही जो अपना जितना भी सामान है सभी को कर रहे हैं पैक। तो जिया को देख सकते हैं जी सारा सामान वहां पर पैक कर रही है क्योंकि कल सुबह ही हम लोगों को निकलना है वाटर एक्टिविटी के लिए और कल ही हम लोगों को चेकआउट करना है। तो अच्छा रहेगा कि पहले से ही सब कुछ के लिए तैयार रहे हम लोग ताकि कल जो है लास्ट मोमेंट में हमें ज्यादा कुछ करना न पड़े। और भगवान की दया से क्रियांश जो अभी फिलहाल सो रहा है तो अच्छा है, वो सोता रहे और हम लोगों का काम भी हो जाएगा। The next day. तो हम लोग हो गए हैं जी तैयार और हम लोग जाने वाले हैं आज एक और बीच पर जिस बीच का नाम है अरम्बोल और वहाँ पर सुना है कि एक स्वीट लेक भी है तो वहाँ भी हम लोग चलेंगे और देखते हैं कैसा सब कुछ रहता है। और क्रियांश तो एक्साइटेड है ही। और आज हमने जो है आई लव गोवा तो सभी लोगों ने देख सकते हैं ये टी शर्ट पहना हुआ आई लव गोवा। One hour later. भी आ गए पूजा के रूम पे और यहाँ पे हम लोग इंतजार कर रहे हैं पूजा का। ले चलो स्विमिंग पूल में नहाने करेंगे। अब तो मैं रेडी नहीं हूँ नहाना। हम नहाना है तो ये लोग बोले कि वहाँ जाके नहाना है। नहाई द्वारी लगे तो स्विमिंग पूल में नहाएंगे। ठीक है वहाँ नहाएंगे बीच पे। बीच पे नहाएंगे ऐसे सुनने में आया। तो हम ड्रेस व्रेस लेके बीच पे हम तो नहीं नहा पाएंगे भाई। मेरा टैटू जो है हम भी नहीं नहाएंगे फिर छोड़ो। तो हम लोग रुके हैं बीच रास्ते में और यहाँ पर पी रहे हैं नारियल पानी क्योंकि बहुत ही तेज भूख भी लग गई है। खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा है। सोच रहे हैं कि जब बीच पर पहुँच जाएंगे वहीं पर खाना ऑर्डर करेंगे और यहाँ जो है पेट में कुछ ले लेते हैं तो नारियल पानी से बेहतर और क्या रहेगा। देखो नारियल पानी पीता है क्या ये? थोड़ा सा पिया। और एक देखो कोशिश करो दीजिए। सभी का हो गया जी नारियल पानी पिया हुआ और साथ में से कुछ फल भी ले लिया बच्चे के लिए कि कुछ मिले ना मिले वहाँ पर फल तो रहेगा और केला एक दो भी खा लेगा तो एकदम थोड़ा सही रहेगा। तो ट्रेवल में तो इसी तरह बच्चों के लिए जो है खाना मैनेज करके चलना होता है। और यहाँ से कितना किलोमीटर बचा है? कितना किलोमीटर बचा होगा अभी? 13 किलोमीटर। ओके 13 किलोमीटर है तो लगता है कि शायद आधा घंटा कम से कम लगना चाहिए। आधा घंटा 45 मिनट तो चलते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे बीच पे और यहाँ जो बीच है जी अभी तक जितना भी बीच घूमे हैं सबसे खूबसूरत अच्छा और सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा लोग यहीं पर दिख रहे हैं और क्लीन भी लग रहा है मुझे। व्हाइट सैंड है यहाँ पे। हम लोग पहुंच गए हैं जी अरम्बोल बीच पर और यहाँ से जो स्वीट लेक है वो लगभग 30 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है जो कि बच्चे को लेकर के हमें सही नहीं लग रहा है जाना। तो हम लोग अपना समय यहीं पर बिताएंगे। उसे 3-4 दिन है हम लोगों के हाथ में, अगर होगा तो दोबारा आएंगे। और फिलहाल यहाँ ले लिया है जो शेड एरिया है तो यहाँ पर हम लोग अपना बैठे हुए हैं इस बेड पे। और यहाँ का कंडीशन ये है कि यहाँ पर आप खाने का ऑर्डर करो तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा यहाँ का। तो हम लोग खाने का ऑर्डर करेंगे। बदीदेव करवा रहे हैं टैटू। हाँ करवा लीजिएगा। टैटू का तो उसे विरोधी आदमी है जी लेकिन यहाँ पर इतना वाइब चल रहा था टैटू 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 सोचा करवा लेते हैं। और इनसे पहले पूछ लिया दर्द तो नहीं होगा तो कहेंगे नहीं दर्द नहीं होने वाला ये टेम्पररी टैटू है। कोई बात नहीं जी पहले टेम्पररी करवाते हैं इसका एक्सपीरियंस देखते हैं फिर परमानेंट देखा जाएगा। और क्रियांश को संभालो उधर। इसको संभाल रहे हैं भैया। खा लो थोड़ा सा खा लो। जैसा अभी तक तो नॉर्मल ही लग रहा है ऊपर से जैसे पेंट होता है वैसा ही कुछ लग रहा है। अच्छा परमानेंट कराने पे पता चलता ना? पता चलता ये तो नॉर्मल ही है। ये तो बेकार का ही हो गया ना। हो गए जी बीच पर और क्रियांश का अपना आ गया है ड्रिंक। तो क्रियांश अपना ड्रिंक ले रहा है। कुछ भी इसको पसंद नहीं आया सब कुछ ट्राई किया सिर्फ मैंगो शेक मिला। और दूध यहाँ पर ट्राई किया तो दूध हमें मिला नहीं तो दूध थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो चलिए जी इसे ही पेट भर दे तो अच्छा है। नहीं मिला यहाँ दूध तो ये बहुत ही गड़बड़ बात है। दूध मिलना चाहिए था बच्चे के लिए व्यवस्था रखना चाहिए था वो नहीं रखा गया है। और उधर का नज़ारा कुछ ऐसा है
आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ। बहुत सारे फॉरेनर टूरिस्ट सब हैं यहाँ पर, और अभी तक का जो भी बीच देखा जी, मैं फिर से बता रहा हूँ जी, सबसे अच्छा बीच लगा मुझे अरम्बोल। 20 minutes later तो यहाँ पर जी हम लोगों का खाना चल रहा है, और इधर क्रियास जो है एकदम मजे में घूम रहा है। कुछ देर पहले जो है लग रहा था कि अब ये सो जाएगा, और इसी के लिए हमने बेड लिया था कि यह सोएगा, लेकिन मुश्किल से 10 मिनट ही सोया होगा और क्रियास उठ गया। कोई बात नहीं जी, बच्चे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और इसको एंजॉय करता देख हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, है ना। हे क्रियांश, कहाँ जाना है? नीचे नहीं जाना है बेटा, जो यहाँ से करना है बदमाशी यहाँ से कर लो, नीचे नहीं जाना है। तो यहाँ पर जिया ने मंगवाया हुआ है यहाँ फिश, और यहाँ का जो है जिया फिश टेस्ट करना चाह रही है आखिर कैसा लग रहा है। घर पर तो फिश खाती नहीं, लगते यहाँ कितना खाती है। और फ्रेंच फ्राई भी साथ में है, तो फ्रेंच फ्राई हम लोग खाएंगे। और साथ में सैलेड भी दिया है। शैतानी कर रहा है, सिर्फ शैतानी कर रहा है। इसको है कि मुझे छोड़ दो, मैं नीचे लौटूंगा। नीचे लेटना है आपको। डांस करो, डांस डांस करो प्रियांश, डांस करो। प्रियांश को सिर्फ जूस पीना है और जो है डांस करना है, दूध नहीं पीना है। दूध मैंने मंगवा दिया इसको, लेकिन इसको दूध नहीं पीना है। A few moments later. थोड़ी देर यहाँ पर आराम करने के बाद जी, अब हम लोग चल रहे हैं बीच के किनारे। अभी जो है मौसम थोड़ा सुहावना हो चुका है, उस समय बहुत ही कड़ी धूप थी जिस समय हम लोग आए थे, तो चल रहे हैं। और क्रियांश भी जो है बहुत ही बेताब था कि पानी की तरफ जाना है, पानी की तरफ खेलना है, तो चलते हैं क्रियांश को लेकर के, और हम लोग भी मजे करते हैं। और यहाँ से जो भी ड्रोन शॉट होगा वो भी जरूर लेंगे, और आपको जरूर दिखाएंगे यहाँ का नज़ारा एक एरियल व्यू में। तो हम लोग आ गए जी बीच के पास, और पानी के अंदर काफी मजा आ रहा है, और क्रियांश भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है। जिया भी आ गई है, जिया अपना खेलने में व्यस्त है। कौन सा तो समझ लीजिए, क्या होगा पानी से, बताया क्या होगा, पानी में आए हैं आप, पानी से बताइए। तो कोई बात नहीं जी, बहुत ही मजा आ रहा है। ओ भाई साहब, यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग जो बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो है बीच का किनारा थोड़ा ज्यादा लंबा लग रहा है। ये देख सकते हैं जी, हम लोग हैं यहाँ पर, और लोग सब वहाँ तक गए हुए हैं। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जी कहाँ तक लोग गए हुए हैं, मतलब वहाँ तक लगता है पानी थोड़ा कम है, तो काफी सुहावना नज़ारा है, इसीलिए मालूम चल रहा है कि यहाँ पर लोग इतना ज्यादा क्यों आते हैं। बाकी जितना भी बीच पर आए हैं सबसे ज्यादा लोग यहीं पर आए हैं। भीग ना क्या है, कपड़ा लाई है ना चेंज करने के लिए, भीग हो बस मजे में भीग हो। ये देखो, ओ भाई साहब, बहुत ही मजेदार नज़ारा है जी। और रात के समय का तो यहाँ का नज़ारा हम लोग देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग शाम में ही निकल जाएंगे मडगांव की तरफ, और उसके करीब जो भी बीच होगा वहाँ एक्सप्लोर करेंगे। अगर समय मिला तो हम लोग यहाँ भी आएंगे। और यहाँ का देख सकते हैं जी लहर आ रहा है, एक और लहर आया हमारे नजदीक। ओ भाई साहब, ये देखिए, ये लहर हमारे नजदीक आ रहा है, और ये हमारे पैर से टकराएगा, ये टकराया। आया मजा, यहाँ का पानी ने साफ लग रहा है बाकी बीच के मुकाबले, बहुत साफ। तो बहुत ही खूबसूरत सा बीच है यह जी, और हम लोगों को जाना था, सोचे थे कि स्वीट वाटर लेक जाएंगे, जो कि वो जो पहाड़ी देख रहे हैं आप, मैं आपको जूम करके बताता हूँ, इस पहाड़ी के उस साइड, तो लगभग बता रहे हैं कि 30 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो थोड़ा समय लग जाएगा, और बच्चों को लेकर के 30 मिनट वॉक करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है जी, इसीलिए हम लोग जो है यहीं पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और यहाँ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मजा नहीं आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। कितना खूबसूरत रील बन रहा है, और यहाँ हमारा बेटा जी बहुत एंजॉय कर रहा है। लोग भी क्रियांश को यहाँ देख सकते हैं जी, कितना ज्यादा एंजॉय कर रहा है, और क्रियांश और उधर शिवांश दोनों खूब एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ अच्छी बात है कि पानी की गहराई थोड़ी कम है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर ज्यादा से एंजॉयमेंट हो पा रहा है बच्चों के लिए। तो हम लोग जो है बहुत किनारे में है, और लोग जो है वहाँ वहाँ तक है, तो इसलिए बच्चे को यहाँ तक लेकर के रखा हुआ है ताकि कोई खतरा नहीं हो। और देख सकते हैं जी लहर कितने अच्छे से आ रहा है यहाँ तक, तो जितना बार लहर आता है बहुत इंजॉय करता है क्रियांश और शिवांश। ये देख सकते हैं इन दोनों बच्चे को, ओहो हो मजा आ रहा है जी। वो देखिए इधर से लहर आया, ये आया, ये आया, और ये देखिए जा रहा है क्रियांश के पास। ये देखिए कितना मजा कर रहा है ये दोनों।
क्रियांश तो पूरा एंजॉय कर रहा है। लेटू इधर नहीं आ बेटा, उधर ही खेलो, इसको छोड़ के। One hour later. तो हम लोगों का जी घुमा हुआ हो गया, घूमने के बाद सोवर सब ले लिया, जैसा कि आपको बताया था कि अगर आप इनके यहाँ से ऑर्डर करते हो लगभग 1500-2000 का बिल आता है। हम लोगों को जो है लगभग 4 गद्दे मिल गए थे और प्रॉपर शेड के साथ, और साथ में जो है आपको सोवर सब लेने के लिए वो सब सारी फैसिलिटी मिल जाती है, बाथरूम यूज़ करने की फैसिलिटी मिल जाती है। तो अच्छा था जी, तो हम लोगों का तो सब कुछ हो गया और उसके बाद अब हम लोगों को जो है यहाँ से मडगांव भी जाना है। और अपना जो होटल था सेंटा मोनिका रिसोर्ट, उससे तो हम लोग ऑलरेडी चेकआउट कर चुके हैं और सामान सब जो है हम लोगों का रखा हुआ है लॉकर रूम में, तो लॉकर रूम से हम लोग लेंगे और टैक्सी आएगी और वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे मडगांव। और मडगांव से कहाँ जाएंगे वो आप लोगों को बताएंगे। और फिलहाल जो है क्रियांश थोड़ा सा परेशान कर रहा था, इसको जाना था पापा के पास, तब तक पापा नहा रहे थे, इतना परेशान किया तो जिया इसको रोक करके रखी हुई थी कि पापा आएंगे, और जब पापा आ गए तब ये थोड़ा शांत हुआ है। अच्छा लग रहा है टैटू आपका? टैटू अच्छा लग रहा है, चलो बढ़िया, थैंक यू।